स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस बाय सुरभि जैन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको नंबर सिस्टम की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके कन्वर्जन, जैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना समझाया था। आज मैं आपको बाइनरी का एडिशन बताऊंगी। जैसे आपके पास नंबर है 1010 और उसमें आपको ऐड करना है 0110। ये दो नंबर्स हैं जिनको आपको ऐड करना है। ये नंबर बाइनरी है क्योंकि बाइनरी नंबर कंसिस्ट ओनली टू डिजिट 0 एंड 1। एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ, 0+0 बाइनरी में होता है आपके 0, 0+1 1, 1+0 1, पर 1+1 यहाँ पे आपका 2 नहीं आएगा बिकॉज बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ओनली टू डिजिट 1 एंड 0। तो 1+1 जो होगा वो आपका आएगा 1 एंड 0। क्यों आएगा? क्योंकि 1 एंड 1+1 का मीन होता है 2, और 2 को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल से बाइनरी में तो 2 1 2, रिमाइंडर 0। अगेन 1 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 1, और इस फॉर्म में हम जब इसको लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 एंड 0। तो हम 1+1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 एंड 0। 0+0 0, 1+1 1 0 मीन 0 एंड कैरी 1, 1+1 अगेन 1 0 0 कैरी 1, 1+1 मीन्स 1 एंड 0। तो ये आपका आंसर होगा बाइनरी नंबर सिस्टम का एडिशन करने का। इसको चेक करने के लिए मैं एक शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगी। इस नंबर को आप कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में। नंबर कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक सीरीज आपको बताई थी 1, 2, 4 एंड 8। अब जिन नंबर्स के नीचे 1 है उन नंबर्स को ऐड कर लीजिए, मीन्स 8 एंड 2 के नीचे 1 है तो हम इनको ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर होगा 10। उसी टाइप से सेकंड जो है 2 0 1 1 0, इनमें जिन नंबर्स के नीचे 1 है उनको ऐड कर लीजिए, मीन्स 4 एंड 2, तो इसका आंसर होगा आपका 6। जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 10 एंड 6 16 आएगा। आंसर को चेक करने के लिए इसके ऊपर भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए सीरीज की, 0 0 0 0 एंड 1। सीरीज है आपकी 1 2 4 8 एंड 16। जिनके नीचे 1 है उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 16 के नीचे 1 है तो इसका आंसर हो गया आपका 16। तो ये आपका प्रूव हो गया कि ये जो आपका एडिशन है वो करेक्ट है। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, वन 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 जीरो, जीरो वन वन जीरो, ये आपके 2 बाइनरी नंबर्स है और इनको आपको ऐड करना है 0+0 0, 1+1 मैंने अभी आपको बताया था 1+1 2 होता है, लेकिन जब हम 2 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर आता है 1 एंड 0। तो यहाँ पे आएगा आपका 0 एंड कैरी 1। अब यहाँ पे 1 और 1 आपको पता है कि 1 0 होता है, इसमें एक 1 और ऐड करना है तो हम 1 0 के साथ में ऐड करेंगे 1, मीन्स 1 एंड 1। और अगर वैसे भी आपको कोई डाउट है तो 1+1+1 होता है 3, 3 को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से बाइनरी में तो 2 1 2, रिमाइंडर 1, देन 2 1 अगेन आपका यहाँ पे क्वेश्चन एंड आएगा 0 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1, मतलब कि 1 1 हो गया इसका ट्रांसलेशन। देन यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1 एंड कैरी 1, 1+1 ये आपका हो गया 1 एंड 0। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको चेक करने के लिए अगेन वही मेथड जो मैंने आपको बताया था, 1, 2, 4 एंड 8 मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 0 1 1 1, सेकेंड नंबर है आपका 0 1 1 0। जिन नंबर्स के नीचे 1 है उनको ऐड करेंगे, 8+4 12 12+2 14। सेम ऐसे ही नीचे वाले नंबर के लिए, जिनके नंबर के नीचे 1 है उनको ऐड करेंगे, 4+2 मीन्स 6, 14+6 आंसर आना चाहिए आपका 20। इस आंसर को आप चेक कर लीजिए, 1 2 4 8 16, ये नंबर पुट कर दूंगी सीरीज में 0 0 1 0 1। अब जिन नंबर्स के नीचे 1 है उनको ऐड करेंगे, 16+4 मीन्स 20, मीन्स ये प्रूव हो गया कि ये आंसर करेक्ट है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलें। और अगर मेरे नोट्स आपको हिंदी या इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट बॉक्स कमेंट में अपनी ईमेल आईडी जनरेट करें।